खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई से है, जहां मां ताप्ती की नगरी के जन आंदोलन मंच द्वारा मुलताई में ट्रेनों की स्टॉपेज के लिए विगत कई वर्षों से संघर्ष किया जा रहा है, जिसके चलते मुलताई में एक नई ट्रेन जयपुर सिकंदराबाद ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है। जो ट्रेन जयपुर से सिकंदराबाद जाने वाली थी, वह पहले ही दिन अपने समय से 1 घंटे देरी से चल रही थी। नई ट्रेन जयपुर सिकंदराबाद का मुलताई में रविवार के दिन 2:34 पर आगमन होगा, वहीं मंगलवार के दिन 1:10 पर सिकंदराबाद से जयपुर जाने वाली अप ट्रेन अब मुलताई में रुकेगी। जयपुर से चलकर सिकंदराबाद जाने वाली डाउन ट्रेन 1 घंटा देरी से चलने के कारण स्टेशन पहुंचने जन आंदोलन मंच के साथियों ने स्टेशन मास्टर चिराग रावत का पुष्प मालाओं से स्वागत किया। जन आंदोलन मंच ने बहुत लंबा संघर्ष किया, 14 साल हो गए। अब एक ट्रेन सांसद महोदय जी द्वारा दी है, हम उनका स्वागत करने हैं आए हैं, सुना था आ रहे हैं। और जो ट्रेन के ड्राइवर कंडक्टर और यहाँ पर जो स्टेशन मास्टर है और स्टाफ है रेलवे का, उनका स्वागत करने आए थे। उम्मीद करते हैं कि नागपुर अमरावती जबलपुर जो जन आंदोलन मंच की प्रमुख मांग है वो ट्रेन सांसद महोदय दिलाए, यही उम्मीद करता है नगरवासी शहरवासी। तो क्या आप इसको लेकर फिर से आंदोलन करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे हम। कब से आंदोलन कर रहे हो आप? अभी तय सब साथियों के द्वारा हो जाए 8 तारीख, फिर हम वहीं बस स्टैंड पे किसान स्तंभ पर करेंगे। और दादर धाम रुकवाने के लिए हाँ, वो बाकी जो ट्रेनें हैं जो चलती थी वो रुक गई, वो भी अपनी मांगे हैं। 5 ट्रेनों की स्टॉपेज है। काचीगुड़ा जो चलता है नरखेड़ से, उसको आमला तक बढ़ाने की भी मांग है हम लोग। धन्यवाद। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।